नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अमेरिकन आईओटी कंपनी बेल्डन से, जहां पर दोस्तों इन्होंने भारत में उनका पहला कस्टमर इनोवेशन सेंटर ओपन कर दिया है बेंगलोर में, और 100 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर इन्होंने की है। दोस्तों ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स, जब इनकी बात आती है तो बेंगलोर हमारे देश में वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि हर कुछ दिनों के अंदर अंदर बेंगलोर में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन होता ही होता है, और ये उसी का एक टेस्टमेंट है। ग्लोबली ये इनका 5th कस्टमर इनोवेशन सेंटर है। इससे पहले जर्मनी में एक, यूएस में 2, और चाइना में भी इनके पास एक इनोवेशन सेंटर है। अभी भारत में ये एंट्री कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोकेमिकल। ये 3 ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर ये कंपनीज के साथ में मिलकर काम करेंगे इस इनोवेशन सेंटर के थ्रू। और जैसे जैसे इनका ये इनोवेशन सेंटर देश में स्मूथली ऑपरेट होगा, वैसे वैसे इसको ये एक्सपांड भी करेंगे। अगली 2 सब्डे निकल कर आ रही है इंडियन कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया से, जिन्होंने देश में स्पेसिफिकली गुजरात स्टेट के लिए एक और कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अनाउंस कर दिया है, और इनका कहना है कि 35,000 करोड़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर वो करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये अनाउंसमेंट वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान की गई है, जहां पर इनका कहना है कि ये गुजरात स्टेट के लिए उनका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। बेसिकली गुजरात के हंसलपुर में अभी जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसको जैपनीज कंपनी सुजुकी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसको मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 1 मिलियन यूनिट्स की है। और अभी जो नया प्लांट भी सेटअप किया जाएगा, इसकी कैपेसिटी भी 1 मिलियन यूनिट्स पर एनम की होगी, लेकिन इनिशियली पहले 1.5 साल में इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख यूनिट्स पर एनम की होगी। धीरे धीरे जैसे ऑपरेट होगा, वैसे वैसे इसको एक्सपांड भी किया जाएगा अगले 5-7 सालों के अंदर अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई सारी इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, सबको एक वीडियो में कवर करना डिफिकल्ट है, तो इसके लिए अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। अगली 2 सब्डेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज से, जिन्होंने डिसाइड किया है कि पारादीप पोर्ट के फिशिंग हार्बर को वो मॉडर्नाइज करेंगे, और अभी 108.91 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान इसके लिए सामने रखा गया है। दोस्तों पारादीप पोर्ट का फिशिंग हार्बर 1996 में ओपन किया गया था, और अभी के समय ये हमारे देश का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट और वन ऑफ दी बिगेस्ट फिशिंग हार्बर है, जो कि ऑलमोस्ट 28 ईयर से ऑपरेशनल है। लेकिन अभी ये जरूरी बन गया है कि इसको एक्सपांड और मॉडर्नाइज किया जाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग दी जाएगी, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि न्यू ऑक्शन हॉल, न्यू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शोर प्रोडक्शन, एग्जिस्टिंग ऑक्शन हॉल का रिनोवेशन, गियर शेड, फिशिंग पैकेजिंग शेड, फर्स्ट एड सेंटर, एक सोलर पावर प्लांट और कई सारी फैसिलिटीज जो कि जरूरी होंगी वो यहाँ पर बनाई जाएंगी। पारादीप पोर्ट के द्वारा क्योंकि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उनका कहना है कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर इसको बनाकर तैयार कर देंगे। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर उसको फाइनली आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक का इनोग्रेशन कर दिया जाएगा, और ये जो हमारे देश का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा, अब पब्लिक यूज के लिए तैयार है। दोस्तों मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी इनोग्रेट नहीं हुआ है, मोस्टली जब आप देखेंगे तो इनोग्रेट हो जाएगा। इसका ऑफिशियल नाम अटल सेतु रखा गया है। 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का एक एक्सेस कंट्रोल सी ब्रिज है, जो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। वैसे ओरिजिनली 1962 में सबसे पहले ये बात की गई थी कि इसको बनाया जाए, और अब जाकर ये कंप्लीट हो पा रहा है। साउथ मुंबई के सेवरी से स्टार्ट होता है, थाने क्रीक को क्रॉस करता हुआ नेवाशेरा के पास शिरले में जाकर टर्मिनेट होता है। इस ब्रिज के चलते मुंबई से नवी मुंबई के बीच में ट्रैवलिंग टाइम, जो कि अभी अराउंड 1 से 1.5 घंटे का है, वो जस्ट 15 से 20 मिनट तक का रह जाएगा, जो कि नवी मुंबई और मुंबई के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। पनवेल, कुलवे, इस तरह के जो एरियाज है, वहां पर इस ब्रिज के चलते एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट स्टार्ट ही है सेवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रीवे, मरीन ड्राइव टनल, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लिंक रोड, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिंक रोड। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक का रियल पोटेंशियल आपको सामने आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके चलते नवी मुंबई में बड़ी स्केल पर रियल स्टेट बूम देखने को मिलेगा। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम से, जहां पर दोस्तों मिजोरम की कैपिटल सिटी आइजोल में रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा आइजोल बाईपास प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है, और टोटल 1,313.28 करोड़ रुपीज इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव भी किए गए हैं। दोस्तों आइजोल बाईपास प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली एक ट्विन ट्यूब यूनिडायरेक्शनल टनल प्रोजेक्ट होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 4.6 किलोमीटर के आसपास होगी। 2.5 किलोमीटर की इसमें टनल होगी, जबकि 2.1 किलोमीटर की अप्रोच रोड्स होंगी। नेशनल हाईवे 6 से सारांग के बीच में टनल बनाई जाएगी, जिसके चलते आइजोल में ट्रैफिक कंजेशन तो बड़े स्केल पर रिड्यूस होगा ही होगा। साथ साथ सारांग से फैबक के बीच में ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी 22 किलोमीटर कम होगा, और जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी इवेंचुअली 1.5 घंटे तक कम हो पाएगा। और आगे चलकर हमारा जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, वो भी इसी रोड के थ्रू कनेक्ट होगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट हमारी रोड मिनिस्ट्री से आ रही है, जहां पर तेलंगाना में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी रोड मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया कि नेशनल हाईवे 63 को एक 4 लेन के हाईवे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इसके लिए भी 2,529 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों नेशनल हाईवे 63 की लेंथ अभी अराउंड 860 किलोमीटर के आसपास है, और मोस्टली ज्यादातर जगह पर एक 2 लेन का ही हाईवे है,
महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस तरह के स्टेट से पास होता है। अभी डिसाइड ये किया गया है कि तेलंगाना स्टेट में निजामाबाद से जगजियाल के बीच में इसकी स्ट्रेच है जो कि अराउंड 132 किलोमीटर की है, उसको 4 लेन हाईवे में कन्वर्ट किया जाएगा। पहले प्लान ये था कि जो एग्जिस्टिंग रूट है उसी को ही चौड़ा किया जाएगा, पर क्योंकि उसके चलते कई सारे लोगों के घर और कमर्शियल बिल्डिंग्स डिमोलिश करनी पड़ेंगी, तो अब ये डिसाइड किया गया है कि पड्डीगल, अंकसापुर, कमरपल्ली इस तरह के जो विलेजेस हैं वहाँ पर बाईपास रोड्स बनाकर इसकी वार्निंग की जाएगी ताकि बिल्डिंग्स को भी डिमोलिश ना करना पड़े। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इसकी DPR के ऊपर हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पुणे से, जहाँ पर दोस्तों ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए PMPL के द्वारा डिसाइड किया गया है कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अलग अलग प्लेसेस पर वो EV चार्जिंग स्टेशन को बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ में टाई अप किया है। दोस्तों इन EV चार्जिंग स्टेशन के चलते ई मोबिलिटी तो प्रमोट होगी होगी, साथ साथ PMPL को जो नॉन ट्रैफिक रिवेन्यू है वो भी बड़े स्केल पर जनरेट हो पाएगी। अलग अलग प्लेसेस पर टोटल मिलाकर 1200 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड अडानी ग्रुप को उन्होंने अभी एलोकेट किया है, जहां पर EV चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार होंगी। हिंजेवाड़ी फेज 2, नीगड़ी, कटराज, बैनरसूस रोड, पलगेट, भोजपुर, डेक्कन जिमखाना इस तरह के एरियाज में ये EV चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार होने हैं और सभी जगह लैंड को अनमार्क भी कर लिया गया है। और क्योंकि अडानी को लैंड अलॉट भी की गई है तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर काम भी स्टार्ट होता दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है बेंगलुरु से, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा बेंगलुरु में 10 डबल डेकर बसेस को अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 से 3 डेकर्स के बाद बेंगलुरु में डबल डेकर बसेस दोबारा से देखने को मिलेंगी। दोस्तों बेंगलुरु हमारे देश की उन गिनी चुनी सिटीज में से एक सिटी है जहां पर कई साल पहले डबल डेकर बसेस ऑपरेट हुआ करती थी काफी लंबे समय तक। 1997 के आसपास बेंगलुरु में जितनी भी डबल डेकर बसेस थी उनको बंद कर दिया गया था और क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है तो दोबारा से अलग अलग सिटीज में इनको रोड्स पर लाया जा रहा है। अभी हमने मुंबई में देखा, अभी गिफ्ट सिटी में भी देखा, तिरुपति, और अब बेंगलुरु में भी डबल डेकर बसेस आ रही हैं। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अभी इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। 5 अलग अलग रूट्स भी इसके लिए प्लान कर लिए गए हैं जो सभी के सभी हाई डेंसिटी ट्रैफिक रूट्स हैं और क्योंकि अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 10 बसेस को अप्रूवल भी दी है तो बहुत जल्द टेंडर फ्लोट करके इनकी प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। पढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा 700 बसेस को अप्रूवल दे दी गई है और इन बसेस के चलते ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बस कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो पाएगी। दोस्तों जो 700 बसेस प्रक्योर की जाएंगी उसमें से 300 तो बिल्कुल नई बसेस होंगी जबकि 400 अपग्रेडेड बसेस होंगी जिनको रिपेयर और रिफर्बिश किया गया है। वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इनके बीच में इन बसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और अभी इनिशियल पुश देने के लिए 200 करोड़ रुपीज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके लिए एलोकेट भी कर दिए हैं। अगले कुछ ही हफ्ते के अंदर अंदर इनकी प्रक्योरमेंट स्टार्ट भी हो जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्स्ट सोलर से, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने तमिलनाडु स्टेट में उनकी एक नई नवेली नई सोलर फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कर दिया है और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के आसपास इसको बनाया गया है जो हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर फैक्ट्री है। दोस्तों फर्स्ट सोलर आप कह सकते हैं कि सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में वन ऑफ द एडवांस कंपनी मानी जाती है क्योंकि इनके सोलर प्रोडक्ट्स काफी हाईली एडवांस होते हैं और इनके प्रोडक्ट्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इन्होंने तमिलनाडु में उनकी एक नई फैक्ट्री सेटअप की है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 3.3 GW की बताई जा रही है और $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर उन्होंने की है। इनके सीरीज 7 के जो फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी जिनको डेवलप तो US में किया गया है लेकिन मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जाएगा। और आप कह सकते हैं कि आगे चलकर हमारे जो सोलर इंपोर्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने में इस फैक्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।